हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के लिए करंट स्कैन, जो कि हिंदी में है। और आज हमारी यहां पे डेट है 8 फरवरी 2019। तो आज हम इसका करंट अफेयर्स देखेंगे देखेंगे इसमें क्या नया है क्या पुराना है। तो यहां पर आज इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इन प्रश्नों को। देखिए, आप लोगों के लिए अब समय बहुत सीमित रह गया है, यानी समय जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे तारीख बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका प्रीलिम्स का काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला होता जा रहा है, यानी प्रीलिम्स का काउंटडाउन स्टार्ट होता जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। थोड़े दिनों के लिए जो लोग अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी मेंस की आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो मेंस की अभी कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर दें, यानी 2 से 3 महीने के लिए ड्रॉप कर दें। मेरा मानना ये है, अगर आपका प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुआ तो आप मेंस तक कैसे पहुंचेंगे। तो अब 3 महीने आप आराम से पूरी तरह से प्रीलिम्स को डेडिकेट करते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रीलिम्स आपको हर हाल में निकालना ही निकालना है। ये टारगेट आप बना के चलें ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्रैक हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज है 8 फरवरी 2019 और मैं आप तक वीडियो लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है मयंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहां पर इंडियन पॉलिटी का रिवीजन वाला पोर्शन जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा। यहां पे टेस्ट नंबर 21 है, इसका आपको रिवीजन करना है। ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा, इसका रिवीजन करना है और मुझे बताना है कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारत पर्यटन मार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर्यटन मार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया जा रहा है। देखिए, पहला वाला कथन सही है। 17 सितंबर 2018 को भारत के पहले पर्यटन मार्ट यानी कि इंडिया टूरिज्म मार्ट आईटीएम 2018 की शुरुआत की गई और भारत पर्यटन मार्ट का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, यानी पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय तथा भारतीय पर्यटन व अतिथि सत्कार परिसंघ यानी कि फेथ के सहयोग से ये किया जा रहा है। और इस आयोजन से पर्यटन व अतिथि सत्कार से जुड़े सभी हितधारकों को विचार विमर्श करने का मौका मिलेगा और उन्हें व्यापार से जुड़े अवसरों की जानकारी भी प्राप्त होगी। सेकंड है, आईटीएम 2018 में विश्व भर से लगभग 225 मेजबान अंतर्राष्ट्रीय खरीदार एवं मीडियाकर्मी भाग ले रहे हैं। देखिए, यह भी कदम सही है सेकंड वाला, कि आईटीएम 2018 में विश्वभर यानी कि विश्वभर से जैसे कि उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिका, कॉमनवेल्थ देशों इत्यादि से लगभग 225 मेजबान अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इसमें भाग ले रहे हैं, यानी खरीदार और मीडियाकर्मी भाग ले रहे हैं। और आईटीएम 2018 के माध्यम से भारत पूरे विश्व यानी खास करके चीन, लैटिन अमेरिका, जापान आदि को उन गंतव्यों की जानकारी दे सकता है जिसके बारे में पर्यटकों के पास जो है उपलब्ध जानकारी नहीं है। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, तो आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीतलता कार्य योजना पर दस्तावेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीतलता कार्य योजना दस्तावेज के संदर्भ में तो बताना है यहां पर कौन सा कथन सही है। पहला है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शीतलता कार्य योजना पर दस्तावेज जारी किया गया है। देखिए, पहला वाला कथन सही नहीं है। जो आपका शीतलता कार्ययोजना है, इस पर दस्तावेज जो है ये जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो पहला वाला कथन गलत है। सेकंड है, 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं तथा इससे जुड़ी मांग तथा ऊर्जा की आवश्यकता का आकलन इसका प्रमुख लक्ष्य है। देखिए, सेकंड वाला कथन सही है। इस कार्ययोजना का प्रमुख लक्ष्य जो है वो अगले 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों में शीतलता से संबंधित आवश्यकताओं और इससे जुड़ी मांग और ऊर्जा की आवश्यकता का आकलन करना है और शीतलता के लिए उपलब्ध तकनीकों की पहचान, साथ ही वैकल्पिक तकनीकें और अप्रत्यक्ष उपाय उन सब का भी पहचान करना है। यहाँ पे सभी क्षेत्रों में गर्मी से राहत दिलाने और सतत शीतलता प्रदान करने वाले उपायों के बारे में सलाह देना है। ठीक है, तो ये सब इसमें पहलू रखे गए हैं। तो ये ओजोन डे के अंतर्गत ये हुआ था, यानी ओजोन डे था 16 सितंबर, तो उसी के ब्याह पर ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो उसी के ब्याह पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका उद्देश्य जो है
वो है टेरर फंडिंग, ड्रग्स तस्करी और हवाला कारोबार पर नजर रखना, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वर्ष 1989 में, 1989 में, 1989 में G7 की पहल पर स्थापित एक अंतर सरकारी संस्था है, और इसका उद्देश्य जो है वो टेरर फंडिंग, ड्रग्स तस्करी और हवाला कारोबार पर नजर रखना है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किसी देश को निगरानी सूची में डाल सकती है और उसके बावजूद कार्रवाई ना होने पर उसे खतरनाक देश घोषित भी कर सकती है। उत्तर कोरिया, ईरान और युगांडा को भी इसी सूची में डाला गया है। तो और ये यहाँ पर आप जानते ही होंगे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका जैसे देश इसकी रिपोर्ट का कड़ाई से पालन भी करते हैं, ये आपको पता भी होगा, क्योंकि अमेरिका अपने कंट्री में लिबर्टी नहीं बरतता है। थोड़ा भी उसे डाउट होता है किसी कंट्री पर, थोड़ा भी उसे किसी नागरिक पर डाउट होता है, तुरंत उसे मार के भगाता है कि हाँ भाई, क्योंकि ऐसा कब से हो रहा है वहां पे, जब से 9/11 का हमला जब से हुआ है तब से वहां पर थोड़ा प्रतिबंध बहुत ज्यादा ही, मतलब स्ट्रिक्ट वे में बना दिया गया है रूल्स अमेरिके के, अमेरिका अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला कथन सही है, तीसरे का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बैंकों के विलय के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बड़े बैंकों यानी कि देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा विजया बैंक के विलय का फैसला लिया है। यानी कि वित्त मंत्रालय ने फैसला लिया है सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बड़े बैंक, जिसमें देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक, इनका विलय करने का फैसला लिया गया है। ठीक है, और इन बैंकों के विलय के साथ ही देश का तीसरा बड़ा बैंक अस्तित्व में आएगा। और सरकार के फैसले का उद्देश्य एक ऐसे बड़े बैंक की स्थापना करना है जो टिकाऊ हो और उसकी ऋण क्षमता बहुत अधिक हो। और यह निर्णय एक वैकल्पिक तंत्र, जिसका गठन सरकार ने अक्टूबर 2017 में राज्य संचालित बैंकों के विलय संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए किया था, इसकी बैठक में यह लिया गया। तो पहला वाला कथन तो यहाँ बिल्कुल सही है। और बैंकों के नाम याद रखिए, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कौन कौन सी बैंक है जिनका विलय किया जाना है वित्त मंत्रालय में। 3 बैंक है, यानी देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, ये 3 बैंक हैं, इनका विलय करके देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक का निर्माण करना है। सेकेंड है, विलय के बाद ये बैंक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे तथा इनका संयुक्त व्यापार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का होगा। देखिए, सेकंड वाला कथन गलत है, विलय के बाद भी ये बैंक स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहेंगे, यानी कि अनुपात है, और इनका जो कारोबार जो होगा वो लगभग 14.82 लाख करोड़ रुपए होगा, यानी कारोबार जो है, आंकड़े जो है 14.82 लाख करोड़ रुपए होगा। और यह निर्णय बैंकों को की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। ठीक है, और आप जानते ही होंगे कि देना बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत ऋण देने से प्रतिबंध किया गया है। और शेष 2 बैंकों में से केवल विजया बैंक ने 2017-18 में लाभ प्रदर्शित किया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी घाटे में चल रही है। ठीक है, तो इसी भी स्थिति देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि आप लोगों के माइंड में माइंड सेट होगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, वैसे तो मैंने बता दिया है आंसर। देखिए, इनकी जो कार्यवाही है, ऐसा नहीं होगा कि भाई बैंकों का विलय हो गया तो बैंक की अपनी नाम में खत्म होगी, पहचान खत्म हो गया, नहीं। बैंकों का विलय यानी कि ऊपर ऊपरी लेवल पर विलय हुआ है, बैंक जो जिस नाम से है उसी नाम से चलेंगे, यानी ऊपरी लेवल पर जहां उनका सब कुछ बजट या डेटा वगैरह जो संग्रहित रहता था, सब कुछ जो मतलब ऋण वगैरह यानी इक्विटी ऋण वगैरह पैसा जो है संचय होता था, उसका विलय हुआ है, ना कि बैंकों का। बैंक मतलब बैंक तो नीचे अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, यानी कि आपकी पासबुक जो देना बैंक की, वो देना बैंक की ही रहेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा वाली की पासबुक बैंक ऑफ बड़ौदा की रहेगी, यानी आपके लिए तो वही रहेगा सेम, जो ऊपरी टॉप लेवल पर जो चल रहा है वहां पर विलय हुआ है उनका। ठीक है, वहां पर उनके जो आंकड़े हैं, वहां पर उनकी रिपोर्ट है, वहां पर उनका धन है, उसका विलय वहां पर किया गया है, ये आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे पहला वाला कथन सही है, तो यह आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में यहां पर बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसकी शुरुआत की गई। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष की शुरुआत की है। और इस कोष की शुरुआत डेयरी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से की गई है। और सरकार के अनुमान के मुताबिक डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष से 50,000 गांव में 95 लाख दूध उत्पादक लाभान्वित होंगे, ऐसा सरकार का मानना है। सेकेंड है, सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 10 राज्यों से बढ़ाकर 25 राज्यों में कर दिया है। देखिए,
ये सेकंड वाला कथन गलत है। सरकार ने इस योजना का कार्यान्वयन 10 राज्यों से बढ़ाकर नहीं बल्कि 14 राज्य थे इसके पहले, 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया है, 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया है। तो ये यहां पे सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड है, इस योजना के तहत एनडीडीबी ठीक है को 440 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी गई है। देखिए ये बिल्कुल सही है, इस योजना के तहत एनडीडीबी यानी कि इस योजना से प्रतिदिन लगभग 126 लाख लीटर की अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ जाएगी और इस योजना के लिए जो है इस योजना के अंतर्गत सहकारी दुग्ध संस्थाओं को 8004 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में 5% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर प्रदान की गई है ठीक है, जिसकी भरपाई जो है 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी और इस ऋण पर भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी रखा है। डेयरी किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए तैयार किए गए डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष यानी DIDF के तहत एनडीडीबी को 440 करोड़ रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। तो यहाँ तीसरा वाला कथन भी सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है, तो यहाँ आंसर है सी, केवल एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस एक का पता लगाने के लिए बायोसेंसर तकनीक विकसित की है, यानी कि हाल में भारतीय वैज्ञानिकों ने इन बीमारियों में से किसका पता लगाने के लिए बायोसेंसर तकनीक विकसित की है। देखिए यहाँ पर चिकनगुनिया का विषाणु का पता लगाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने बायोसेंसर तकनीक विकसित की है, तो यहाँ छठवें का आंसर है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जीएसटी परिषद ने जीएसटी नेटवर्क में शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, प्रस्तावित परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा। देखिए प्रस्तावित पैटर्न के बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, इसमें केंद्र का हिस्सा जो होगा 50% होगा और शेष राज्यों के द्वारा सामूहिक रूप से धारित किया जाएगा ठीक है, यानी केंद्र का हिस्सा 50% होगा और शेष राज्यों के द्वारा सामूहिक रूप से यह धारित किया जाएगा। यानी कि वर्तमान में जीएसटी नेटवर्क में क्या था, यानी कि 24.5 केंद्र का था, 24.5 राज्यों का हिस्सा था और शेष 51% जो था वो निजी भागीदारी का हिस्सा था और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रस्तावित परिवर्तन के बाद केंद्र का हिस्सा जो होगा 50% होगा और शेष राज्यों के द्वारा सामूहिक रूप से धारित किया जाएगा, यानी शेष जो हिस्सा बचेगा वो राज्यों के द्वारा सामूहिक रूप से धारित किया जाएगा। अब नया पैटर्न ये चल रहा है ठीक है, तो 7वें का आंसर है ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने नीम को अपना राज्य की वृक्ष घोषित किया है। देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उनका जो राजकीय वृक्ष है वो नीम है, यानी राजकीय वृक्ष यहाँ पर नीम होगा और इनका जो राजकीय जो है यानी काला हिरण जो है यहाँ पर राजकीय पशु है, इनका राजकीय फूल जो है चमेली का है यहाँ पर और राजकीय पक्षी जो है इनका गुलाबी चक्राकार तोता है, ये मैंने बता दिया इनका। अच्छा कमेंट में आप ये बताएंगे कि यूपी में राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है यूपी का, राजकीय पेड़ कौन सा है यानी राजकीय वृक्ष कौन सा है यूपी का ठीक है, ये कमेंट में आप बताएंगे ठीक है, यानी यूपी के बारे में आप देखते हैं कितना जानते हैं ये आप कमेंट में आप बताएंगे। यानी कि यूपी से मतलब ये है मेरा, आप जिस राज्य से आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने राज्य का बताएं कि मैं फलाने राज्य से हूं और मेरे राज्य में ये है ठीक है, वो अपना इंट्रोडक्शन वहां पे दे दें कि हाँ मैं इस राज्य से हूं और ये मेरे राज्य का ये है, तो मैं भी जान लूंगा कि यहां पर कौन कौन से राज्य के अभ्यर्थी कितने लोग यहां पे वीडियो देख रहे हैं, यानी किस राज्य के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, मुझे भी एक नॉलेज एक आंकड़ा लग जाएगा पता लग जाएगा, तो कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एकता अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एकता अभ्यास के संदर्भ में यहां पे बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, एकता अभ्यास जो है यह भारत और वियतनाम के मध्य एक अभ्यास है। देखिए पहला वाला कथन गलत है, यह भारत और वियतनाम के मध्य नहीं बल्कि भारत और मालदीव के मध्य अभ्यास है, भारत और मालदीव के मध्य, माल लिखते रहा हूं मालदीव MALD ठीक है, मालदीव यानी भारत और मालदीव के मध्य एक अभ्यास है। सेकेंड है, यह एक असममित युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, सेकंड वाला कथन सही है, यह एक असममित युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है। थर्ड है, इसका उद्देश्य जो है दक्षिण चीन सागर में भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाना है। देखिए तीसरा वाला कथन गलत है, इसका उद्देश्य जो है वो हिंद महासागर में भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाना है, ना कि दक्षिण चीन सागर में ठीक है, इसका उद्देश्य जो है आपकी हिंद महासागर में भारत की सामरिक क्षमता बढ़ाना है, ना कि दक्षिण चीन सागर में। देखिए यहां पे केवल सेकंड वाला कथन सही है, तो यह आंसर है बी, केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताइए कौन से कथन सही हैं। आदर्श आचार संहिता के अनुसार, देखिए आदर्श आचार संहिता का मैंने प्रश्न यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए और आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला है, कोई दल या प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए किसी पूजा स्थल या इबादत स्थल का उपयोग नहीं कर सकता इसके तहत। ये बिल्कुल सही है। देखिए हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को स्वीकार किया है, तो यहाँ पहला वाला कथन सही है, इसके संबंधित ये नियम पहला वाला सही है। सेकंड है, कोई दल या प्रत्याशी चुनावों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकता है, ये भी सही है कि कोई दल या प्रत्याशी चुनावों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर सकता है। तीसरा है, चुनावों की घोषणा एक बार हो जाने के बाद मंत्रियों द्वारा किसी परियोजना की आधारशिला नहीं रखी जा सकती है, यानी कि अगर एक बार चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद, यानी कि मान लीजिए 2019 का इलेक्शन होने जा रहा है, 2019 के इलेक्शन की अगर घोषणा हो गई तो पीएम मोदी के द्वारा किसी भी नई परियोजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा, किसी भी नई योजना का आधारशिला नहीं रखी जाएगी, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो देखिए तीनों ही कथन सही है, तो यहाँ आंसर है डी, यानी 1, 2 और 3। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, साथ ही साथ आपका पॉलिटी का रिवीजन जो है, इंडियन पॉलिटी का वो है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक समीक्षा, यहाँ पे टेस्ट नंबर 21, इसका आपको रिवीजन करना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मैंने करंट के वीडियो में जो जो प्रश्न पूछे हैं उनका भी आपको आंसर देना है, यानी कि अपने राज्य का क्या क्या, जो आपका राज्य की वृक्ष क्या है, राज्य की पशु क्या है, राज्य की पुष्प क्या है, ठीक है, ये सब आपको बताना है। आप कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हैं आप बताई देंगे, राज्य का नाम लिखेंगे आप बताई दें, पता ही चल जाएगा वहाँ पे, तो आपको ये आपको टास्क करना है आज। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए और चीज़ों को शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग भी अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।